हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैं अपने फ़ोन में फेसबुक चला रहा था, तो फेसबुक चलाते चलाते क्या हुआ, मैंने गलती से अपनी फेसबुक आईडी को लॉग आउट कर दिया। अब दोस्तों लॉग आउट तो कर दिया, दिक्कत ये थी कि मेरे को उसका पासवर्ड तो याद नहीं था। तो मैंने बहुत सारे पासवर्ड लगाए जो जनरली मैं अपनी आईडी पे लगाता हूँ, तो मैंने सारे पासवर्ड ट्राई कर दिए, पर दोस्तों किसी भी पासवर्ड से मेरी जो फेसबुक आईडी है वो नहीं खुली। अब दिक्कत ये थी कि ना ही मेरे पास फ़ोन नंबर था जिससे मैंने फेसबुक आईडी बनाई थी, वो फ़ोन नंबर मेरा बंद पड़ा है, और ना ही मैंने उसमें कोई ईमेल आईडी डाल के रखी हुई थी। अब दिक्कत ये होगी कि भाई पासवर्ड को रिकवर कैसे किया जाए, ना ही मेरे पास फ़ोन नंबर है ना ही मेरे पास ईमेल आईडी है। तो दोस्तों मैंने एक नई ट्रिक लगाई जिससे जो मेरा जो पासवर्ड है वो जल्दी से रिकवर हो गया। और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी फेसबुक आईडी का जो पासवर्ड है वो भूल चुके होंगे, और ना ही आपके पास फोन नंबर है ना ही आपके पास ईमेल आईडी है जिस पे आप अपनी फेसबुक आईडी बनाई थी। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे आप अपनी फेसबुक का जो पासवर्ड है वो रिकवर कर सकते हो बिना किसी ईमेल एड्रेस के, बिना किसी फोन नंबर के। तो आपको सारी ट्रिक मैं आपको पूरी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपका जो पासवर्ड है वो रिकवर ना हो ना, तो आप मेरे को कमेंट में जितनी गालियां देना चाहो दे सकते हो, पर दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप उसे आपको फॉलो करना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है। और जहां पे पता नहीं चले दोस्तों वहां पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर से आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। पर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। आप आधी वीडियो को छोड़ के प्रोसीजर शुरू कर देते हो, मतलब चालू कर देते हो रिकवर करना, तो आप नहीं कर पाते जबकि आप पूरी वीडियो देखते ही नहीं हो। तो पूरी वीडियो तो देखा कीजिए। और भाई ये रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो चैनल पे आते हैं, वीडियो तो देखते हैं पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं उस ट्रिक की कि कैसे आप अपने फेसबुक का जो पासवर्ड है वो रिकवर कर सकते हैं अगर आप अपनी फेसबुक का पासवर्ड भूल चुके हैं और ना ही आपके पास फोन नंबर है ना ही ईमेल एड्रेस है। तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, जरूर से आप रिकवर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपने सबसे पहले फेसबुक पे लॉगिन पेज पे आ जाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैं क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद अपने पुराना पासवर्ड यहाँ पे डालना है जो आपको लास्ट टाइम रिमेंबर हो कि हाँ ये पासवर्ड मैंने लगाया था। और उसके बाद जैसे आप पासवर्ड डालोगे तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे दिखेगा फेसबुक वाले के कि आप पुराना पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप एक नया रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने न्यू वन पे क्लिक करना है, ऊपर आपको दिख रहा होगा रेड लाइन रेड इस पे बैकग्राउंड पे, तो आपने इस पे क्लिक करना है न्यू वन पे। जैसे आप न्यू वन पे क्लिक करेंगे तो पहले मैं इस ईमेल आईडी से ट्राई कर रहा था, बट ये मेरे किसी दूसरे अकाउंट से लिंक है, तो मैं यहाँ पे ट्राई अनदर वे करूँगा। अगर आपका भी ऐसा है तो आप इधर क्लिक कर सकते हैं, और ये मेरे को बता रहा है कि इस अकाउंट के साथ आपकी जो आईडी है वो लिंक है। और इसके बाद आपने क्लिक करना है नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दिस, और उसके बाद फेसबुक बोलेगा कि आप अपना नंबर यहाँ पे डालिए जो आपने जिस नंबर पे आपने फेसबुक बनाई हुई है, तो आपने नंबर वो यहाँ पे डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद जो अकाउंट आपका है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मेरा अनिल वाला है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये बोलेगा कि OTP चाहिए, तो मेरे पास तो नंबर है नहीं, नंबर बंद है मेरा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दिस पे क्लिक करूँगा लास्ट के ऑप्शन पे। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नई ईमेल आईडी डालने के लिए बोलेगा जिस पे आप अपना अकाउंट रिकवर करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे वो अपनी नई ईमेल आईडी डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। उसके बाद आपने ईमेल आईडी डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फेसबुक को बोलेगा आपको यहाँ पे अपना नाम डालने के लिए, तो आपने यहाँ पे अपना पूरा नाम डाल देना है जो आपने अपनी आईडी में डाल के रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों अपना नाम लिख देता हूँ, आपने वही नाम लिखना है जो आपने आईडी पे डाल के रखा हो। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। और दोस्तों नाम लिखने के बाद आपको दूसरे नंबर पे बोलेगा ये अपना आईडी कार्ड अपलोड करने के लिए, तो जो कोई भी आईडी कार्ड आपके पास है तो आपने उसको अपलोड कर देना है, चाहे आधार कार्ड चाहे पैन कार्ड चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपने उसको अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। गाइज मैंने यहाँ पे अपने आधार कार्ड की जो फोटो है वो अपलोड कर दी, आप देख सकते हैं मैंने अपने आधार कार्ड की फोटो यहाँ पे अपलोड की है। तो जैसे ही आप दोस्तों फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो आपने उसको उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस सेंड पे क्लिक करेंगे आपका जो है दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। मेरा थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है। तो गाइस जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद अब आपने कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है। अब आपको फेसबुक की तरफ से एक रिप्लाई आएगा, तो आपको एक मेल आएगा, तो आपने सिंपली से उस मेल को ओपन करना है। तो वेट करता हूँ कि मेरे को वो मेल कब आता है।
तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को जो है वो YouTube की तरफ से मेल आ चुका है, तो मैं इसको सिंपली से ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने लिखा है थैंक्स फॉर कन्फर्मिंग योर आइडेंटिटी टू फिनिश गेटिंग इनटू योर अकाउंट लॉग आउट एनी फेसबुक अकाउंट। तो आपको यहाँ पे लिंक दिया होगा, तो आपने कुछ नहीं करना है, इस लिंक को फॉलो करना है, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप जो है अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर आपको लिंक दिया होगा, तो आपने सिंपली से इसको ओपन कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे बोलेगा क्रिएट अ न्यू पासवर्ड, तो आपने नया पासवर्ड यहाँ पे लिख देना है जो भी आप लगाना चाहें। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा देता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेगा ये फेसबुक आपको बोलेगा कि रिव्यू अदर डिवाइस, अगर आपके किसी दूसरे डिवाइस में भी आईडी लॉगिन है तो आपने उसको लॉगिन लॉग आउट करना है तो नहीं करना है तो आप कर सकते हैं, बट मेरे किसी में नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। आपने उसको स्किप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो आईडी है खुल चुकी है, तो उसके बाद आपने नोट नाउ पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं फाइनली मेरी जो आईडी है वो रिकवर हो चुकी है। तो ऐसे आप अपनी फेसबुक आईडी का जो पासवर्ड है वो रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। एक बार आप ट्राई करके देखिए, जरूर से आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। अगर रिकवर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में गालियां बक सकते हैं, बट दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तभी आप रिकवर कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो वीडियो को जरूर से शेयर करें और दोस्तों लाइक जरूर किया कीजिए। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, चाहे व्यूज़ आए ना आए, तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।